हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टाइगर टेक गेमिंग में। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को और आपके पूरे परिवार को तहे दिल से हैप्पी दिवाली बोलता हूँ दोस्तों। जय माता दी, लक्ष्मी माता आपके और आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा, आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि जिस तरह इस भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह प्यार और आशीर्वाद बरसा रहे हैं, उसी तरह इस भाई के ऊपर प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए भाई लोग, और भाई का सपोर्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि अंदर बाहर में कैसे आप बाजी मार सकते हैं, अंदर बाहर कैसे खेल के जीत सकते हैं। तो चलिए, थोड़ा भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब फर्स्ट टाइम आए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। उससे क्या होगा दोस्तों, जो भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताएंगे वो सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ताश की न्यू गड्डी है दोस्तों, इसको अच्छे से सफल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। कुछ लोग अंदर बाहर जुआ खेल तो रहे हैं, लेकिन बार बार लॉस हो जा रहे हैं, हार जा रहे हैं। बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि भैया मुझे बहुत नुकसान हो गया, मैं हार जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आज उन्हीं के लिए स्पेशल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त है, वीडियो में मजा आने वाला है। तो प्लीज वीडियो को रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से कि प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ताश की गड्डी है, ठीक है, इसको अच्छे से आप सफल कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। जब हम लोग अंदर बाहर का जुआ खेलते हैं तो दोस्तों इसी तरह ताश की गड्डी को अच्छे से सफल कर लिया जाता है, मिक्स कर लिया जाता है, जो भी आप कह सकते हैं कर लीजिए। उसके बाद आपके साथ चार भाई, पांच भाई, दस भाई, जो भी आपके साथ बंदे बैठ के खेलते हैं दोस्तों, आपने देखा है कि अभी दिवाली हाल ही में आज ही रात को बीता है, तो बहुत सारे लोग खेल रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही खेला जाता है, देखिए इसको आप फर्री भी मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से फर्री मार लीजिए, उसके बाद भी आप सफल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अगर जो ज़्यादा भी स्किप कर देंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, इसमें मैं आपको ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा अंदर बाहर जुआ जीतने का, ठीक है दोस्तों। एक बार और आपको मैं फर्री मार के दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है, अच्छे से आपका कार्ड मिक्स हो गया है दोस्तों। यहाँ पे इसको अच्छे से सफल कर लीजिए, ठीक है। सफल करने के बाद ताश की गड्डी को ऐसे रख देते हैं या नीचे रख देते हैं, सामने वाले भाई इसमें से कोई भी एक पत्ती बीच में से खींच लेंगे यानी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दहला की पत्ती है, अब ध्यान से देखिएगा, ये दहला की पत्ती अंदर आएगी तो मैं जीत जाऊँगा, बाहर जाएगी तो सामने वाले भाई जीत जाएंगे। फिर मैं आपको फाइनली ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं केवल चार पत्तियों में, यानी दो पत्ती इधर, दो पत्ती इधर, दाला की पत्ती अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो वो कैसे आई मैं आपको, अगर जो मेरे वीडियो को पूरे एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो अभी आपने एक डेमो देखा कि दाला की पत्ती अंदर आ चुकी, एक डेमो और देख लीजिए फर्स्ट में, उसके बाद फाइनली आपको ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। वीडियो को जरा भी स्किप या मिस करेंगे तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए ताश की गड्डी, एक बार मैं और आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से सफल कर लीजिए, सफल करने के बाद आप इसे फर्री भी मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए ऐसे करके फर्री भी मार लीजिए, अब आपकी ताश की गड्डी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसमें कोई चीटिंग नहीं है दोस्तों। उसके बाद फिर भी आप ऐसे कर दीजिए, करने के बाद और अच्छे से कर लीजिए, सफल कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब इस ताश की गड्डी को हम अच्छे से सफल कर लेते हैं, सफल करने के बाद इसको हम नीचे रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, नीचे रखने के बाद सामने वाले भाई इसमें से एक पत्ती कोई निकाल लेंगे, कोई भी एक पत्ती खींच लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए इक्का की पत्ती है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिएगा, ये पत्ती अगर जो अंदर आएगी तो मैं जीत जाऊँगा, बाहर जाएगी तो सामने वाले भाई जीत जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करिएगा, और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अभी देखिए इक्का की पत्ती किधर जा रही है, 100% अंदर ही आएगी, 100% अंदर ही आएगी दोस्तों, मैं कहा ना। तो दोस्तों उससे पहले बता दूं कि इस भाई का सपोर्ट करिए,
हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। इस भाई का अधिक से अधिक सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने एक डेमो देखा कि दाला की पत्ती और दूसरा हमने देखा कि इक्का की पत्ती, दोनों अंदर आ चुकी है दोस्तों। इसमें कोई चीटिंग कोई फेक नहीं है, ठीक है। साफ सुथरे तरीके से मैंने आपको सारा वीडियो करके दिखा है। तो पहली बार मैंने गड्डी को सफल गया फर्री भी मारा और रख दिया। बताया आपको कि भाई काटिंग करता है तो ऐसे आता है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे मेरे वीडियो में मैंने क्या बताया आपको, डेमो में क्या दिखाया। तो ये जैसे एक उदाहरण बताया, अब उसके बाद मैं आपको फाइनली ट्रिक बताऊंगा कि दोस्तों ये ट्रिक कैसे किया है और आप कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आप वीडियो पर पूरे इंड तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आए, बीच में छोड़ के जाएंगे तो दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं ट्रिक वो कैसे है और कैसे किया हम। तो मान लीजिए दोस्तों इक्का की ही पत्ती है, ठीक है। इस पत्ती को मुझे अंदर लाना, आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि इक्का की पत्ती अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो चलिए हम हुकुम की कोई इक्का की पत्ती एक निकाल लें, हुकुम की इक्का की पत्ती, ठीक है। हुकुम की इक्का की पत्ती, अब जो पत्ती कहेंगे दोस्तों ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस पत्ती को मान लीजिए आप कहेंगे बाहर निकालने के लिए, अंदर निकालने के लिए, मान लीजिए इस पत्ती को हम यहाँ से उठा ले रहे हैं, ठीक है, और इस पत्ती को मैं वहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आई होप, और देखिएगा दोस्तों मैं यही पत्ता स्ट्रेट करूँगा और यही पत्ता निकाल के दिखाऊंगा, वो भी अंदर की तरफ ही आएगा। पान का इक्का देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब ये सारे पत्ती को समेट लीजिए, ठीक है, ऐसे। अब इसको आप अच्छे से सफल कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। सफल करके रख देते हैं, ध्यान से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसको और अच्छे सफल कर लीजिए, फरी भी मार लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए दोस्तों। ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, जरा भी स्किप कर देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए ताश की गड्डी आपकी पूरी अच्छे से मिक्स हो गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए सामने वाला भाई अगर जो कटिंग कर रहा है, ऐसे ताश की गड्डी रखी हुई है, अगर सामने वाला भाई कटिंग कर रहा, मान लीजिए ये ताश है, ठीक है, और वो कटिंग कर रहा है, मान लीजिए हम सफल कर दिए कटिंग कर रहा है, तो अगर जो ऐसे कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये निकल गया, अच्छा कोई भी पत्ती आ गई है, तो उस पत्ती को आपको ताश की गड्डी में कैसे मिक्स करना है, कैसे सेट करना, वही बताऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पत्ती निकल गई है, अब आप ध्यान से देखिएगा ये पत्ती अगर जो आपको अंदर गिराना है तो किस तरह। तो कोई भी एक पान की एक पत्ती ले लीजिए या फिर इक्का की कोई भी पत्ती लीजिए, एक चार पत्तियाँ होती है ना, तो कोई भी पत्ती ले लीजिए, मान लीजिए हम ये निकालें, ठीक है, इसी पत्ती को सेट करना है। तो देखिए इसको किस तरह सेट करना है मुझे, ठीक है। इसको उठाइए, ठीक है, सबसे नीचे रखिए, ध्यान से देखिएगा, सबसे नीचे रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप ऐसे करिएगा, ठीक है, आराम से बारीकी से दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सीख जाते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा, मैं आपको बहुत ही प्यार से समझाऊंगा। इसमें देख लीजिए दोस्तों आपकी जहाँ भी पत्ती थी अच्छे से मिक्स हो गई है, ठीक है। फर्री भी मार्क मैं दिखा दे रहा हूँ, इसमें कोई, मैं ये नहीं कहा, भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये कटिंग ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप देख लीजिए इसमें फर्री मैं मार दिया, सारा कुछ मिक्स हो गया। अब बताइए कहाँ है इक्का की पत्ती, दिख रहा नहीं दिख रहा, उसके बाद भी आप इसको अच्छे से सफल कर लीजिए। इतना दोस्तों मिक्स करने के बाद कोई भी पत्ती आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये ऐसा ट्रिक है कि वो पत्ती अंदर ही आएगी, ठीक है। इसके बाद भी आप एक बार और सफल कर लीजिए, फर्री मार लीजिए, जो भी करना है वो भाई बोल रहा उसको भी दे दीजिए। ये ऐसा ट्रिक है दोस्तों जो मैजिक ट्रिक से कम नहीं है, आप मैजिक ट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए, अब देखिए आपकी कहीं पत्ती पता चल रही है, नहीं पता चल रही, लेकिन दोस्तों जो इक्का की पत्ती थी, पान की इक्का की पत्ती थी, इस गड्डी में मिक्स हो चुकी है, सेट हो चुकी है। अभी आप देखिएगा मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ये ताश की गड्डी है इसमें इक्का की पत्ती अच्छे से मिक्स हो चुकी है, ठीक है। एक इक्का बाहर है, तीन इक्का अंदर, ठीक है। अभी आप देखिएगा एक इक्का आएगा, दो इक्का आएगा, लेकिन जो भी आएगा अंदर ही आएगा, किस तरह देखिएगा ध्यान से, ठीक है।
आपको सारा चीज़ मैंने करके दिखाया समझ में, अगर जो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर जाइएगा, बहुत सारा वीडियो वहाँ पर देखेंगे तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको चलिए एक बार दो बार और आप सफल कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फर्री भी मारना चाहते हैं वो भी आप कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, अभी देखिएगा वो इक्का की पत्ती अंदर ही आएगी, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब तो आप देख सकते हैं दोस्तों ना, सारी पत्ती अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब ये देखिए इक्का की पत्ती जो मैंने इस कार्ड में मिक्स किया है, सेट किया है, किस तरह अंदर ही आएगी। एक एक पत्ती आप देखेंगे अच्छे से तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। इक्का की पत्ती दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यही इक्का की पान की पत्ती थी जो हमने सेट किया था दोस्तों। आपसे बता दूं कि यही पान की पत्ती थी जो इक्का की है, इसी पत्ती को हमने इस गड्ढे में मिक्स किया था, सेट किया था। अभी आप देखिए, अभी एक आधे इक्का की पत्ती और अंदर ही आएगी दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये ईंट की इक्का की पत्ती, ये भी अंदर आ चुकी है। तो मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि ये ऐसा ट्रिक है, अगर जो आप इसको अच्छे से सीख जाते हैं, यानी दो बार चार बार देखने के बाद अच्छे से समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आप मालामाल हो सकते हैं। अगर जो आपको मेरा ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, इस ट्रिक नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे चैनल पर जाइए, बहुत सारा वीडियो अंदर बाहर का, कट पत्ता का, मांग पत्ता का, तीन पत्ती का, वहाँ से आप बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है आपको ये ट्रिक ना समझ में आए, इसमें नहीं कुछ समझ में आए, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक दोस्तों जो भी मैंने नॉलेज दिए हैं, जो भी ट्रिक बताए हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यही तक, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।